निकलेगा मेरी भगनी का फरियाद कर वो याद कर फरियाद कर नारे जीवन बर्बाद कर जीवन बर्बाद कर बीते दिन लौट न आएंगे राधे राधे वो शाम आएंगे आएंगे सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सच्चिदानंद रूपाय भगवान कहते हैं कि सतचित आनंद की मेरे से पहले भी सत्य था, मध्य में भी सत्य है और अंत में भी सत्य है। यही भागवत जी में भी कहा गया है कि पहले भी सत्य है, मध्य में भी सत्य है और अंत में भी सत्य है। सत्य की ही बात की गई है। तो विश्वोत्पत्ति आदि हेतु भी, विश्व की उत्पत्ति कौन करते हैं? वो भी भगवान करते हैं। विश्व की उत्पत्ति भी भगवान ही करते हैं। तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों का जो शमन करते हैं वो भी भगवान ही करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः, कि हम उस कृष्ण भगवान जी की वंदना करते हैं, उनको नमस्कार। माया बिछी नठा हुआ हर सोच रहे हैं कि मेरे को ज़्यादा पैसा आ जाए, वो सोच रहे हैं। अगर भगवान से ध्यान लगावे तो इस स्ट्रेस वगैरह तो हो ही नहीं सकता। ध्यान करे, योग करे और भगवान के श्री चरणा से ध्यान लगावे। कहते कि भगवान को नज़रों से देखो, अगर आप नज़र से देखोगे एक नज़र लगा करके तो क्या होगा, स्ट्रेस सभी दूर। श्री परशुराम भगवान की जय। भगवान परशुराम जो हैं श्री हरि के 24 अवतारों में से षष्ठम अवतार भगवान परशुराम जी का है, जो कि भगवान का आवेशावतार है। इनकी माता जी का नाम माता रेणुका देवी और पिताजी सप्तऋषियों में से एक जमदग्नि महर्षि हैं। और इनका जन्म स्थान मध्य प्रदेश के इंदौरा जिले के माना नाम गांव के एक पर्वत के ऊपर है। और जो परशुराम जी हैं, इन्होंने सहस्रबाहु अर्जुन, जो एक ही बहुत ही भयंकर एक क्रूर अत्याचारी राक्षस राजा था, उसके अत्याचारों से सभी ब्राह्मण वर्ग और सभी वर्ग जो भी थे सताए हुए थे, उनका इन्होंने हनन किया और समाज में जातिवाद को हटा करके समभाव सबके लिए और सबके विषयों के परोपकार के लिए इन्होंने जागृत भावना की और ब्राह्मणों का उत्थान किया। जो कि क्षत्रिय राजा अपने मनोबल को गिराते हुए और लोगों के मनोबल को गिराते हुए उश्रंखल होकर अत्याचारों को बढ़ावा दे रहे थे। तो हम परशुराम जी की प्रार्थना करते हुए आज का उत्थान के लिए हमारी सभा भी ऐसे ही कार्य करती रहती है, जिससे धर्म में सहयोग हो, धर्म का उत्थान हो, समाज का उत्थान हो और बच्चों में, युवा वर्ग में समाज को लेकर जो अनग्रल बातों को कम करके समाज के उत्थान के लिए जो है सभी जागरूक हों, इस तरह के हम यहाँ पे प्रोग्राम करते रहते हैं। श्रम से यही हम शिक्षा ग्रहण करते हैं। हमारी युवा ब्राह्मण सभा का जो इस्टेब्लिश है, संस्थापना की थी हमने सन 1994 में। तब तो हम भी काफ़ी छोटे थे और हमारे प्रधान जी श्री स्वर्गवासी गोलोकवासी ज्वाला प्रसाद रत्ती जी, हमारे उसमें कार्यकर्ता श्री सुरेश अग्निहोत्री जी, स्वतंत्र पाल कौशल जी, रमन कपला जी, सुनील कपला जी, राकेश शर्मा जी काफ़ी थे जिन्होंने, अनिल शर्मा जी मिलकर इस ब्राह्मण सभा का संकल्प लिया था, युवा ब्राह्मण सभा का। उस समय इसकी स्थापना की थी। पहले शुरुआत में तो सिर्फ एक 5 मेंबरी कमेटी थी, कोई प्रधान नहीं था और इस भाव से की थी कि भी हम सब सेवा करने के लिए ही इसका आयोजन करेंगे, ताकि समाज का उत्थान हो, ब्राह्मण समाज का उत्थान हो और लोगों को सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे सकें। मगर सन 2000 में जब इसको रजिस्टर्ड कराना पड़ा तब इसकी एक प्रॉपर बॉडी बनानी पड़ी। प्रधान सिर्फ बच्चों से और जो कार्यक्रम आयोजित करते थे सभा के, सन 2000 से हमने श्रीमद् भागवत कथा राम कथाओं का आयोजन शुरू किया। युवा ब्राह्मण सभा शुरू से सामाजिक कार्यों में भी काफ़ी तत्पर है, जैसे कि हम गरीब बच्चों की शिक्षा का उत्थान करने के लिए उनकी फीसें वगैरह भी देते हैं और विधवाओं को भी पेंशन देते हैं और भी जो बहुत सामाजिक कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रमों में भी युवा ब्राह्मण सभा
बढ़ चढ़कर भाग लेती है। परशुराम जयंती के अलावा हम राधा अष्टमी मुख्य तौर से बहुत धूमधाम से मनाते हैं, और उसके अलावा तुलसीदास गोस्वामी तुलसीदास जयंती मनाते हैं, और पंडित मदन मोहन मालवीय जी की भी जयंती हम मनाते हैं, और कृष्ण जन्माष्टमी भी जैसे भी हमारे से बढ़िया होता हम वैसे ही। पंडित महेश वशिष्ठ जी गांव खेड़ी आनंदपुर तहसील के पास के हैं और धर्म के मर्मज्ञ हैं, और ये जो कथा है श्रीमद् भागवत महापुराण वरुथनीय काशी रविवार से शुरू हुई है, 16 अप्रैल 23 तक चलेगी, 16 से बाकी दिन तो अभी 2 सभाएं हैं, शाम को 3 से 5 और रात्रि को 8 से 10, और 22 तारीख को श्री परशुराम जी की जयंती है अक्षय तृतीया वाले दिन, उस दिन सुबह 4 बजे प्रभात फेरी निकाल जाएगी सभा की तरफ से, और उस ऊपर हवन यज्ञ भी किया जाएगा, फिर दोपहर को 3 से 5 सभा और रात्रि को 8 से 10, और इसी तरह रविवार को 23 तारीख को इसका संपन्न होगी ये, और उस दिन सुबह 9 से 1 बजे तक कथा और कीर्तन का आयोजन है, और एक बजे के प्रसाद भगवान का प्रसाद भंडारा यहाँ पे होगा। की तरफ से सभी को ये विनती की जाती है कि सभा यहाँ प्रोग्राम करवा रही है, भागवत कथा का आयोजन हो रहा है जो कि समाज के उत्थान के लिए, धार्मिक उत्थान के लिए भी है, और सभी से ये निवेदन है कि आप हमारी सभा को ज़्यादा से ज़्यादा योगदान दें। और पंडित ज्वाला प्रसाद रत्ती जी जो हमारे प्रधान थे, उनका अभी ही रामनवमी वाले दिन गोलोकवास हुआ है, उनको सारा शहर जानता था और वो एक सारे शहर के गुरु तुल्य थे, उनकी इतनी अच्छा उनका एक जीवन रहा है कि हर इंसान जो भी शहर को बिलोंग करता है उनको जानता है, वो उनको गुरु की तरह नतमस्तक होता था, और हम इस आशा से आपसे सबसे निवेदन करते हैं कि उनकी अनुपस्थिति में भी वो हमारे साथ हैं, और हम ये चाहते हैं कि जैसे आप उनको सहयोग देते रहे हैं सभी शहरवासी और आसपास के इलाकावासी, इसी प्रकार हमारी सभा को सहयोग देते रहें, ताकि हमारी सभा इस तरह के आयोजन और करते रहे जिससे धर्म का उत्थान हो, समाज का उत्थान हो, और हमारे आने वाले बच्चे बच्चियों में संस्कार, उत्तम संस्कार पैदा हों।